गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री स्वामीनारायण। एसएससीएम स्कूल रन्स बाय सजानंद गुरुकुल मानकुआ, हार्टली वेलकम्स यू टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, प्रॉफिट एंड लॉस। यू दिस वर्ड इज हियर, आपने सुना होगा वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट दैट मींस लाभ, फायदा। लॉस दैट मींस नुकसान। ठीक है, लेट्स सी, हम एग्जांपल लेते हैं कि रिटेल शॉपकीपर यूजुअली परचेज अ गुड्स फॉर द होलसेल। ठीक है, जो शॉपकीपर है, ठीक है, जहां से हम चीजें हैं वो खरीदते, वो कहां से खरीदता है वो चीजें, वो होलसेलर के पास से चीजें है वो खरीदता है। ओके, देन दे सेल द गुड्स टू द कस्टमर्स, और वो कस्टमर को वो बेचता है। द प्राइस गिवन बाय अ बायर फॉर एन आइटम फॉर इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। जहां से वो खरीद होलसेलर के पास से वो चीज खरीदता, ठीक है, तो वो जो प्राइस होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस, दैट मींस गुड कीमत। ओके, एंड द आइटम इज टू फॉर द बायर एंड द प्राइस ऑफ दिस आइटम इज सोल्ड बाय अ कस्टमर एंड इट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, दैट मींस वो वहां से होलसेलर के पास से वो खरीदता है गुड कीमत पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, और वो कस्टमर को बेचता है, ठीक है, दैट मींस वो सेलिंग करता है, ठीक है, तो वो जो सेलिंग करता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दैट मींस द राइटर वी राइट द कॉस्ट प्राइस एज सीपी एंड सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा
ये हुआ लॉस का फॉर्मूला और प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है, तो ये होगा उसको प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से पूरा का पूरा चैप्टर है वो हमें करना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस दैट मींस से कोई भी कस्टमर है, लेट्स से डिसाइड्स द पे प्राइस ऑफ गुड्स, अ शॉपकीपर हैज टू पे द पैकिंग लेबर ट्रांसपोर्टेशन ईटीसी। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स टू द डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस। एग्जांपल जो दुकानदार के पास जाता है तो होलसेलर के पास से खरीदी करता है, तो वह जहां से वो आता है, एग्जाम्पल उसने शॉपकीपर है, उसने होलसेलर के पास से 15 रुपीज का, सॉरी 15,000 रुपीज का उसने राइस है वो खरीदा, ठीक है। अब वो 100 रुपीज से वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च करता है कि होलसेलर की दुकान में से उसकी जो वहां पे दुकान है वहां पे वो लेके जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपीज से उसके उसने ट्रांसपोर्टेशन खर्च किए, दैट मीन्स उसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो उसके 15,000 रुपीज का उसने राइस खरीदा और 100 रुपीज उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो, उसने टोटल कितने खर्च किए, जिसमें आप क्या करोगे, इसका एडिशन करोगे। आंसर आएगा 15,100 रुपीज उसने खर्च किए, दैट मींस ये जो 100 रुपीज है ये होगा उसका ओवरहेड चार्ज। जो मेन प्राइस है उसकी क्या है, राइस की 15,000 रुपीज, तो उसके कस्टमर को होलसेल वाले को तो देना ही पड़ेगा, पर 100 रुपीज उसको एक्स्ट्रा किसको देना पड़ेगा, रिक्शा वाले को, ट्रांसपोर्टेशन खर्च वो देना पड़ेगा। उसको टोटल है उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे, 15,100 रुपीज, ठीक है। तो ये जो होगा वो होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं, अ शॉपकीपर परचेज 5 आलमारी, अलमारी फॉर रुपीज 10,000, ही पेड रुपीज 200 ऑन ट्रांसपोर्टिंग देम टू हिज शॉप, ही सोल्ड देम फॉर रुपीज 11,000, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब शॉपकीपर है वो 5 अलमारी 10,000 रुपीज में खरीदता है और उसको 200 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है, और उसने यही अलमारी 5 अलमारी उसने 11,000 रुपीज में बेच ली। पहले हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उसको 800
तो इस तरह से सम्स है वो करने हैं। लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। पॉइंट 25 रुपीज।
दैट मींस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, दैट मींस लूज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 37 माइनस 35.25। जीरो में से 5 कट नहीं होगा, 10, 9, 6, 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 2, 7। यहाँ पे डॉट, आपको पता है डॉट के नीचे डॉट आना चाहिए, तो डॉट के पीछे 2 डिजिट है वो आपके पैसे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको रुपीस दिए गए हैं और यहाँ पे पैसे, तो काउंटिंग में डिफिकल्टी ना, उसने डॉट के पीछे 2 जीरो लगा दिए, तो आपके बन गए पैसे, ये। अब 6 में से 5 कट करेंगे तो 1, यहाँ पे 0, तो आंसर आएगा 1 रुपीज 75 पैसा आपको लूज हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, इसी तरह से स्टोरी सम्स है वो दिए गए। लेट्स सी द फर्स्ट स्टोरी सम्स। Abhinav bought 20 pencils for rupees 80 and sold them each for rupees 5. What was his profit or loss? अब देखो अभिनव है वो 20 pencils खरीदता है 80 रुपीस में, ठीक है, और वो sold them each for rupees 5 और वो 1 pencil से, ठीक है, वो 5 रुपीस में बेचता है। तो पहले आपको वो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 1 पेंसिल से वो कितने रुपीस में उसको मिली, उसने खरीदी, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्राइस दी गई, तो 20 पेंसिल से वो 80 रुपीस में खरीदा है उसने। तो पहले 1 पेंसिल की प्राइस है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और आपको पता है कि ज्यादा प्राइस दी गई हो तो 1 पेंसिल 1 की फाइंड आउट करना है, हमेशा हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 20 पेंसिल से वो 80 रुपीस में वो खरीदता है, दैट मींस क्या करेंगे, 80 रुपीस डिवाइड 20 पेंसिल, तो 24 जा 80, दैट मींस उसको 1 पेंसिल से 4 रुपीस में पड़ेगी, ठीक है, और वो बेचता है 5 रुपीस में 1 पेंसिल, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसको कितना रुपीस प्रॉफिट होगा, दैट मींस वो 1 पेंसिल से वो 4 रुपीस में खरीदी और उसने बेची है 5 रुपीस में, ठीक है, तो उसको क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपीस और सेलिंग प्राइस है 5 रुपीस, तो क्या होगा, प्रॉफिट 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो 1 पेंसिल की बात हुई, उसने 20 पेंसिल खरीदी, तो 20 पेंसिल का उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ऑफ 20 पेंसिल
ठीक है। फिर उसने वो टीवी है वो 2350 रुपीस में उसने बेच दी, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे। Thank you, J.C. Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.